नमस्कार, मैं सरिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज हम लोग बहुत ही एक खूबसूरत फ्लावर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है। आराम से आप बिल्कुल है ना कम केयर में इसको उगा सकते हैं, जिसको हम लोग सदाबहार के नाम से अपने देश में जानते हैं। और वैसे इसका नाम विंका और पेरीविंकल भी है। तो बस देखो आप, इतने कलर्स और वैरायटी में ये मिलते हैं और इतना इजी टू ग्रो फ्लावर होता है, तो इसको हम लोग गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छे से है ना ग्रो कर सकते हैं। फुल सन में आराम से चल जाता है ये, कोई केयर नहीं मांगता, बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं मांगता, और इतने कलर और वैरायटीज़ में आता है कि दिल खुश हो जाता है इसको उगा के। तो अपने किचन गार्डन में मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसको ज़रूर से जगह दे। और अगर आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो किचन गार्डन में कुछ ना कुछ फ्लावर प्लांट्स हों, जिससे हमेशा आपके गार्डन में जो है ना पॉलिनेटर्स हैं, नेचुरल पॉलिनेटर्स, बीज वगैरह, वो अट्रैक्ट हों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वेजिटेबल भी अगर ग्रो करते हैं तो भी आप कुछ फ्लावर प्लांट्स अपने है ना किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो विंका के बारे में हम पूरी बातें शुरू करें, उससे पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिले। तो विंका की अगर मैं बात करूँ ना, तो मिट्टी सबसे पहले अगर हम बताएँ तो मिट्टी इसको एसिडिक ही चाहिए होती है, और 5 से 8 जो इसका है ना 7.5 तक पीएच की मिट्टी आराम से चल जाती है इसमें। अच्छी एसिडिक सॉइल में भी ग्रो हो जाता है, एवरेज मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है, कि बहुत ज़्यादा खाद नहीं हो जिसमें और नॉर्मल सी सॉइल हो तो उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस वेल ड्रेन सॉइल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसको पानी अंदर रुकना अपने बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर कीचड़ वाली सॉइल होती है तो ये ख़राब हो जाता है, अदरवाइज़ है ना बड़े आराम से चलता है, सैंडी सॉइल में भी चल जाता है ये। और ना हम लोग फरवरी मार्च से ही इसको लगाना शुरू कर देते हैं। सर्दियों में बस इसका थोड़ा सा है ना मरता तो नहीं है हालांकि, पर फ्लावरिंग बिल्कुल कम हो जाती है, अदरवाइज़ पूरा है ना टाइम जब भी ठीक ठाक मौसम होता है गर्मियों का चलता ही रहता है ये। महीने में एक बार है ना इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है बहुत, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वही डाल दें इसमें, तो उससे भी इसकी नीड पूरी हो जाती है। और सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं इसको, और छोटे प्लांट्स नर्सरी से लाके भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे इस बार मैंने सीड्स नहीं लगाए, मैंने कोई 15 साल पहले एक बार सीड लगाए थे, और ये अपने आप ग्रो होता रहता है, उसी से बढ़ता रहता है बिल्कुल। तो मेरे सब सीमेंट की ट्रेज़ और सिंक वगैरह सब में ये ग्रो हुआ था, और पिछले साल मैंने वो सब वेट की वजह से नीचे उतरवा दी, तो इस बार ये मुझे नए लगाने पड़े हैं, थोड़े से ही बचे हैं वो पुराने वालों में से। अदरवाइज़ ये हर साल बिल्कुल साल दर साल अपने आप निकलता है, अपने आप ग्रो होता रहता है, तो कोई इसमें ना अपने को एक बार सीड डाल दिया बस उसके बाद निष्फिक्र हो जाओ। और ये सब मैं हाइब्रिड वाले इस बार लेके आई हूँ, तो अलग अलग कलर्स और अलग अलग है ना शेड्स में हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं सारे कलर्स और शेड्स, और इजी टू ग्रो है बिल्कुल, कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बार आपने ला के लगा दिया तो ये पूरी धूप में भी खिलता रहता है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम पर हो तो इसमें है ना पॉट्स में मल्चिंग कर दीजिए थोड़ी सी, तो वो बेटर होती है, नहीं तो फुल सन में अच्छे से ग्रो होता है, पार्शल में भी ग्रो हो जाता है, पार्शल सन में भी ग्रो होने वाला है। और ये देखो आप, लगाने के एक दिन बाद ही मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ था तो इनमें डाल दिया, तो ये थोड़ा सा नुकसान हो गया है कुछ प्लांट्स में, पर अब मैं इनको ठीक कर रही हूँ फिर से। तो बड़े प्यारे कलर्स हैं ये, जो ये थोड़े से जल गए हैं वो भी, पीच कलर भी है इनमें, और बड़े सुंदर सुंदर कलर्स में है ना आपको अवेलेबल हो जाता है बड़े आसानी से। सीड्स से भी हर ऑनलाइन पोर्टल पे है ना गार्डनिंग वाले पे मिल जाते हैं इसके सीड्स, सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं उसमें, और है ना लगा सकते हैं बिल्कुल। और 9 इंच का जो पॉट है इसके लिए सबसे बेस्ट मानती हूँ मैं, 9 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता है ये, बड़ा अच्छा सा बढ़ता है, और बिल्कुल राइट साइज़ है इसके है ना जो प्लांट्स के लिए। और नहीं तो है ना ज़मीन में जो लोग लगाते हैं वो कॉर्नर्स पे गार्डन के, गार्डन बेड की तरह है कवर करने के लिए अपनी सॉइल को खाली, तो उस उन सब चीज़ों के लिए भी लगाया जाता है ये, और बहुत ज़बरदस्त वाली फ्लावरिंग करता है ये, मतलब इसकी फ्लावरिंग हमेशा चलती रहती है और काफ़ी अच्छी वाली होती है, मतलब आपका किचन गार्डन भरा दिखता है इसके फूलों से। तो ऑब्वियसली आपको जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते ही हैं इसके कलर्स पे, बड़े ब्राइट एंड शाइनी कलर्स होते हैं पत्तियों के भी और फ्लावर्स के भी,
और आपको पता ही है विंका का फ्लावर, पत्तियाँ, सब लोग, सब चीज़ें, इवन टहनी भी काफ़ी है ना मेडिकल रीजंस से भी पॉपुलर हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं इनसे। और बायो एंजाइम भी विंका का बहुत अच्छा बनता है, उसको भी आप बड़े अच्छे से है ना पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, विंका का बायो एंजाइम जो बनता है, तो बड़ा ही यूज़फुल प्लांट होता है। अब अगर घर में लगाया जाए तो, और देखो आप कितने सुंदर है ना इसके फ्लावर्स होते हैं। पानी इसको ना अगर गर्मियों में हम जैसा कि फ्लावरिंग ज़्यादा करता है तो रेगुलर ही चाहिए होता है इसको, सूखी नहीं होनी चाहिए इसकी मिट्टी, मॉइस्ट होनी चाहिए हमेशा। तो पानी ज़रूर इसको है ना, अगर 9 इंच के पॉट में आपने लगाया है धूप में तो रोज़ ही लगाना पड़ता है इसको अच्छे से पानी। और जैसा कि मैंने कहा पूरी धूप में भी रख सकते हैं आप, पार्शल सन में भी रख सकते हैं। पूरी धूप में अगर 45 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो थोड़ी सी इसके पॉट में मल्चिंग कर दीजिए, देखो आपके और कितनी अच्छी फ्लावरिंग मतलब ये करता है। ज़रूर से मैं आपको सलाह दूंगी कि इसको आप अपने किचन गार्डन में जगह दें, बीमारियाँ कुछ नहीं लगती इसमें, बस पत्ते पीले होने का जो हम लोग कई बार है ना शिकायत करते हैं वो इसीलिए होता है कि या तो हम लोग खाद ज़्यादा दे देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती खाद की, जैसे कि मैंने दी हुई है अभी खाद ज़्यादा इसमें, और है ना या फिर पानी है ना कीचड़ हो रहा है अंदर, तो उससे भी ये धीरे धीरे गलने लग जाती हैं इसकी जड़ें। और शुरुआत में जब हम लोग इसको पौधे को शिफ्ट करें ना तो थोड़े दिन 2-4 दिन इसको पार्शल शेड में रख दें, जिससे प्लांट है ना अच्छे से जड़ पकड़ लें। बस यही केयर होती है इसकी तो और कुछ भी नहीं, लगाइए और खुश हो जाइए बिल्कुल अपने गार्डन में। ढेर सारे फूल, इतनी गर्मी में हम लोग सोचते हैं कि सारे प्लांट्स जलने लग जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं हमारे फ्लावर्स के जो इतना भर भर के हम लोगों को फ्लावर्स देते हैं, दिल खुश हो जाता है कि इतनी तेज़ गर्मी में भी है ना इतने खूबसूरत कलर खिले हुए हैं आपके किचन गार्डन में। तो बस ज़रूर से ज़रूर विंका लगाइए, इसके सीड्स आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे सीड्स से लगाइए चाहे पौध ला के लगाइए, पर कुछ पॉट्स या कुछ छोटे जो है गमले इसको ज़रूर दीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, नमस्कार आप सभी लोगों को।